हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हो रहा है? मैं हूँ अभी माल्टा में। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे लैंड कर गए। माल्टा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब मुझे पता नहीं है कि यार ये इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ही है या एक से ज़्यादा है। मुझे लगता है एक ही है शायद। वहीं पे भी लैंड कर गए। बहरहाल रायन एयर से आया हूँ मैं। कोई 70 यूरोस के आसपास उसका टिकट मिला है जर्मनी से यहाँ तक का। कोलन जो या कोलोन जो भी आप कह सकते हो ना, एयरपोर्ट है जर्मनी के अंदर, वहाँ से यहाँ तक आने का ये टिकट मिला है। तो पहुँच गया हूँ यार। मुझे अभी जो है वो तलाश है, कोई मुझे बस मिल जाए, कोई चीप सर्विस मिल जाए जिससे मैं जो हूँ वो सिटी सेंटर पहुँच सकूँ। सेंट जूलियन जाना है मुझे करके, उस सिटी में मेरा हॉस्टल है, तो वहाँ तक मुझे फिर जाना है। तो उसके लिए मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ यार। देखता हूँ क्या TD2 के नाम से, जहाँ तक मुझे पता है, बस जाती है लेके, और वही सर्विस है यहाँ पे फ़िलहाल तो। मगर मुझे अभी तक जो है वो पता नहीं है वो कहाँ से जाएगी। तो थोड़ा सा घूमता फिरता हूँ यार एयरपोर्ट के आसपास, शायद मुझे मिल जाए। अच्छा, ये सामने ही टैक्सी का भी स्टैंड है, बिल्कुल ऐसे यहाँ से टैक्सी भी ले सकते हो। मगर मैंने यार टैक्सी नहीं ली है क्योंकि वो 20 यूरो मांग रहा है यार सिटी सेंटर जाने के। हम लोग कोई सस्ता रास्ता ढूंढते हैं। सामने मुझे बस स्टॉप नज़र आ रहा है यार, जाके देखते हैं कहाँ जा रही है ये बसें। तो पहले कोशिश करते हैं, शायद अगर कोई बस वस मिल गई, नहीं तो फिर आखिरी रास्ता तो टैक्सी का ही है। मगर सामने बसेज हैं, पहले जाके बसेस को देखता हूँ मैं। अच्छा, वो बस जाएगी यार, वो जाएगी वलेटा में। वो जो वलेटा वाले का ये मसला है कि यार उसका मतलब वो कैपिटल है उनका और मेरा वहाँ पे हॉस्टल नहीं है। मुझे जाना है सेंट जूलियन, मुझे लगता है ये वाली यही है। मुझे लग रहा है यही, अंदर जाके पूछता हूँ। हेलो सेंट जूलियन, यस, ओके। अच्छा, ये जो बस स्टॉप है ना, सारे बिल्कुल मतलब एयरपोर्ट के साथ ही है। देखो पूरा ये एयरपोर्ट है, ये डिपार्चर्स हैं सामने, और इसके ऑपोजिट पे आ जाओ ऐसे, ये सारे बस स्टॉप बने हुए हैं ऐसे करके। और फिर यहीं से बस जो है वो हर जगह की बस जा रही है, वलेटा की भी जा रही है, सेंट जूलियन की भी जा रही है। जिस भी सिटी जाना है आपको, आप जा सकते हो। कोई भी इतना ज़्यादा दूर नहीं है, सारे करीब करीब ही हैं एक दूसरे के, ऐसे भी वैसे लेके जा सकते हो। 21 यूरो का मिलता है यार वीकली पास, उसमें अनलिमिटेड ट्रैवल है, वो भी ले सकते हो। मगर मेरे को इतना ज़्यादा बाय बस शायद घूमना नहीं है, इसलिए मैं वो वाला ले रहा नहीं, और मैं 7 दिनों के लिए यहाँ पे हूँ भी नहीं। मगर चाहो तो वो भी ले सकते हो यार। अभी जिस बस में मैं बैठा हूँ ये TD2 है, ठीक है। वो X2 वाला जो था वो बंदा, उसने मुझे बोला यार बस के अंदर से टिकट नहीं मिलेगा, बाहर से मिलेगा, मशीन है। मैं मशीन की तरफ गया तो वो मतलब वहाँ पे मतलब वीकली वाला टिकट है, खाली सिंगल टिकट है ही नहीं, वो बस के अंदर से ही मिलता है। ये मैंने उसको देखा, वो मुझे देख भी रहा था, फिर भी वो बस चला गया है। फिर मैं अभी थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, उसके बाद देखो ये ऐसा टिकट मिला। ये अब जाएगा सिटी तक लेके मेरे को, और फिर आगे से जर्नी जो है वो शुरू होगी। वो रूट लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा शायद दूर से। ये पूरी बस है, ऐसे इधर सामान शामान भी रख सकते हो पूरा। चलो भाई, बाय बाय माल्टा एयरपोर्ट, अब हम लोग जा रहे हैं भाई। ये जा रही है बस, उतार दिया इसने यहाँ पे। वो कह रहा था यही है सेंट जूलियन। अब पता नहीं यहाँ से अपना हॉस्टल किस तरफ है, कोई पता नहीं है। मैं ज़रा देखता हूँ, किसी से पूछता पूछता हूँ, उस तरफ से चलता हूँ। मुझे लगता नहीं है यहाँ से ज़्यादा दूर होगा, करीब ही होगा यहाँ पे कहीं पे। तो यार TD2 और X2 आती है सेंट जूलियन, और X2 जाती है वलेटा में। ये याद रखना, एयरपोर्ट से सीधे ये लोग आपको आके यहाँ पे सिटी सेंटर में उतार देती है। मुझे यहाँ पे आसपास शॉप्स वगैरह नज़र आ रही हैं पीछे, इधर थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, खुद ही समझ आ जाएगी। पहला दिन है ना, अभी नए नए आए हैं, उसकी समझ नहीं आ रही यार। यहाँ पर ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यार, कोई 30 के आसपास होगा टेम्परेचर अभी। खैर जो भी है, वेलकम टू माल्टा। ये मेरा कंट्री नंबर 32 है, 32 कंट्री मुकम्मल हो गए, पहुँच गया हूँ आज मैं यहाँ पे, तो 32 कंट्री हो गए। मैं अभी अपने हॉस्टल के बहुत पास ही हूँ यार, करीब ही हूँ बिल्कुल, इतना ज़्यादा दूर नहीं हूँ यहाँ से। पहुँच गया हूँ, ये रहा मार्को पोलो हॉस्टल, इसके अंदर जाता हूँ मैं।
यार हॉस्टल में चेक इन करके बाहर निकल गया था, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी है ना, ये मैं धूप दिखाऊँ, यहाँ पे इतनी कड़कती हुई धूप है ना, ये देख रहे हो। तो उसके लिए फिर मुझे जो अब शूज़ तो पहन के घूम नहीं सकता यहाँ पे, ये चप्पल वगैरह लेनी पड़ी है, कुछ जूस वगैरह कुछ और भी सामान लिया है मैंने, ये देख रहे हो ये सब कुछ भी ख़रीदा है, ये कोई मतलब 12-13 यूरो का पड़ गया, 12.95 मतलब 13 यूरो का पड़ गया, सस्ते में ही है चीज़ें यार, इतना महंगा नहीं है माल्टा अभी तक तो, यही लगा मुझे तो ये ख़रीद लिया। अभी तो मैं जाके कुछ रेस्ट करूँगा, कल से सोया नहीं हूँ यार, कल से रात से ही निकल गया था मैं, तो अभी मैं जाके सोऊँगा और आराम करता हूँ, फिर बाद में ही कोई और अभी वीडियो कोई कंटिन्यू करूँगा, कोई और वीडियो बनाऊँगा, ये वाली वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, तब तक के लिए फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।